कबीर। जैसे पूर्व में आपने सुना था वृषिंग देव राजा के घर सतगुरु का पदार्पण हुआ और संत मंडली के मंडली में नहीं बैठकर कबीर साहब अलग से विराजमान हुए। सफेद टोपी और सफेद वस्त्र में लंबे से कद वाले और सतगुरु वहां विराजमान हुए थे। तब राजा ऋषिंग देव सदगुरु के चरणों में रानी सहित और दल बल के सहित पहुंचे तो साहेब बड़े प्रसन्न हुए कि राजा बड़े समझदार हैं, मेरी भक्ति का आदर करने वाले हैं, इसलिए साहेब जो है अंतर्यामी हैं। और एक उन्होंने चमत्कार साहेब ने किया कि जो दिखते थे साहेब धरती पे विराजमान थे और शब्द स्वरूप आप आसमान में जो है सवाहात अदर आप विराजमान होकर लीला बताई तो राजा नतमस्तक हुए। राजाओं को चेताना कोई कम काम नहीं था, वो राजा मतलब अभिमानी थे तो साहेब ने ऐसी लीला दिखाई तो राजा को विश्वास हुआ और राजा साहेब की शरण में आए। और साहेब के यानी रानी ने साहेब के तिलक किया, राजा ने चरण धो के चरणामृत लिया और हाथी मंगवाया और साहेब को हाथी पर बैठाया। हाथी पर बैठा करके आप खुद दास बनकर सेवक बनकर चवर करते हैं राजा। और हाथी पर सतगुरु फिर जो लीला दिखाते हैं और अदर हो जाते हैं कि ये तो बेचारा जीव है और जीव पर कैसे बैठूं, इसको बोझ लगता है, भार लगता है। हे राजा, साहेब कहते हैं मैं तो मेरे सत्य के आधार में हूँ। और साहेब फिर अदर हो गए। राजा आपके कामदारों को अगवानी भेजते हैं, साहेब के लिए उत्तम आसन बिछाते हैं और वहाँ
राजद्वार में राज सिंहासन पर साहेब को सिंहासन पर विराजमान करते हैं, राजा चरणों में बंदगी करते हैं, साथ में जो सरगुणी भक्त आए थे उनको भी पास में बिठाते हैं और सभी नगर के लोग साहेब को बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं और साहेब सबको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से लीला होती है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज मेरे